हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरी एलोवेरा है। ये एलोवेरा की एक वैरायटी है और भी है मेरे पास। वैसे ये सीडम है, सीडम फायरस्ट्रॉम है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें नीचे से देख सकते हैं कितने सारे इसका ग्रोथ आ रहे हैं, कितने सारे बेबीज निकल रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसमें प्लांट आ रहे हैं। और ये है एचिवेरिया पर्लवॉन। ये जो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी जल्दी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। पॉट इसका बहुत छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसकी रिपोर्ट कर लूँगी। और ये फ्रेंड्स मेरी कुछ कैक्टस वगैरह है, आप ये देख सकते हैं। ये कलुंचॉय वेरीगेटेड है और कितना ग्रे और पर्पल की इसकी शेडिंग है। और फ्रेंड्स, ये आप कैक्टस की कुछ वैरायटी मेरे पास देख रहे हैं, जो अभी बहुत अच्छे ग्रोथ इनका चल रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ प्लांट आपको आप लोगों को दिखाऊं। ये है फेरी कैसल। ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स देखने में। और ये देखिए, यहाँ पे ये इनके नए नए ग्रोथ भी आ रहे हैं और नीचे वाली जो ग्रोथ है उनके काफ़ी सारे बेबीज से भर गए हैं। और आप इसके साथ ही पीछे छोटे छोटे पॉट में देख सकते हैं, ये कुछ हावर्थिया और गैस्ट्रिया का मैंने बेबी सेपरेट करी थी, उनको भी अच्छी ग्रोथ चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा हो गया ये प्लांट अभी तो। ये देखिए, छोटे छोटे बेबीज मैंने सेपरेट किया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया। और ये कुछ सेंसेवेरिया है, एचिवेरिया पुलविनाटा है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हार्निया ग्रुप की पर्पल नर्पल प्लांट्स है, जिसका फ्लावर आया था मैंने दिखाया था। और ये मेरी क्यूट सी फेरी है, जो ये देखिए बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। और ये जो आप फ्रेंड्स कैक्टस देख रहे हैं, ये मैमिलेरिया के ग्रुप का है। और इसके सबके नाम मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। ये रिबुतिया की कैक्टस है, ये भी देखिए, इसमें भी बेबीज आए हुए हैं, छोटा सा एक साइड में, जो कि अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ये आप साथ में देख सकते हैं, ये एचिवेरिया टिप्पी है। और इसमें भी देखिए, इसके बेबीज शूटिंग शुरू हो गई है, इसमें नए प्लांट्स आ रहे हैं बेबीज की। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी मैमिलेरिया के एलोंगटा की कैक्टस है, इसको लेडी फिंगर भी बोला जाता है। और इसमें देखिए कितने छोटे छोटे बेबीज और आ रहे हैं, और नीचे भी काफ़ी भर गए हैं। और ये प्लांट फ्रेंड्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये विंटर में भी इनमें फ्लावर आते हैं। और ये जो आप कैक्टस देख रहे हैं, ये भी मैमिलेरिया की फैमिली से है। और इसमें भी बहुत सारे आप देख सकते हैं बेबीज आए हुए हैं, और इनके ग्रोथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। और कैक्टस जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको केयर करना बहुत ईजी होता है, और ये विंटर में भी इनमें फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस कितने ब्यूटीफुल है ये सारे प्लांट्स। और ये मेरी हावर्थिया है, जिसमें बहुत सारे बेबीज आए हैं फ्रेंड्स, इनकी भी बहुत अच्छे ग्रोथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको और भी मेरी बहुत सारे प्लांट्स दिखाना चाहूँगी। एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरी जो प्लांट्स है, वो यहाँ पे नीचे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, कुछ ट्रे में रखे हुए हैं, ताकि मैं इनको सनलाइट में आगे जो मेरी स्पेस है घर के, वहाँ पे जाके मैं इनको धूप में रख देती हूँ, ताकि इनके कलर आ सके। क्योंकि विंटर के कलर फ्रेंड्स प्लांट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, ताकि इनके कलर भी चेंज होते हैं, तो प्लांट्स और देखने में ब्यूटीफुल हो जाती है। आप देख सकते हैं सबके मेरी प्लांट्स के कितने अच्छा ग्रोथ चल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये छोड़ के भी मेरी छत पे भी बहुत सारे प्लांट्स पड़े हैं, जो एचिवेरिया की है और एलोवेरा की है, जो अभी छत पे रखी हूँ, लेकिन अभी उनको मैंने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाया। लेकिन ये मेरे जो नीचे के प्लांट्स हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे घर के पीछे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो ये सारे कैक्टस के कितने अच्छे ग्रोथ चल रहे हैं।
और बाकी फ्रेंड्स मैं आपको और भी कुछ प्लांट्स दिखाना चाहूँगी। आप ये देख सकते हैं मेरी कलेक्शन में वैसे तो बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैंने अभी काफ़ी सारे प्लांट्स फ्रेंड्स ऑर्डर किया है क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी काफ़ी सारा टी गार्डन बनाने के लिए मैं ये प्लांट्स ऑर्डर किया है। तो जब मैं टी गार्डन आप बनाऊँगी तब आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगी। और नीचे भी मेरे काफ़ी सारे कुछ हाउस प्लांट्स पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, और सब बहुत ही अच्छे इनका ग्रोथ चल रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ मैंने प्रोपगेशन के लिए भी रखा हुआ है ट्रे में। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर है प्लीज़ वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, बाय।